सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा व तालिबात, जमात नहुम के 1.5 द नेकलेस इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। ये दूसरा वीडियो है पहले पार्ट का। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम ल्यूजेल सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस था दो हर ड्रेस वॉज रेडी। अब जब पार्टी का दिन करीब आ गया तो जो मैडम ल्यूजेल थी ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी नाराज़ है, थोड़ी गमगीन है, सैड है, रेस्टलेस है और थोड़ी सी परेशान है, एंग्शियस और थोड़ी तशवीश में मुबतला है। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, बावजूद इसके कि उनका ड्रेस रेडी था। वन इवनिंग हर हस्बैंड सैड टू हर, एक शाम उनके जो शौहर थे उन्होंने कहा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 डेज, इन गुज़िश्ता 3 दिनों से आप अजीब बर्ताव कर रही हैं। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई एम अपसेट डैट आई हैव नो जेवल्स, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, नाराज़ हूँ, चूँकि मेरे पास कोई जवाहरात नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, एक पत्थर भी नहीं, कीमती पत्थर जो होते हैं उसे स्टोन भी कहते हैं, जैसे कि डायमंड है या फिर रूबी है, टोपाज है, तो उसे भी स्टोन ही कहते हैं। आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, इसके बावजूद कि मैं सोचती हूँ कि मैं पार्टी के लिए ही नहीं जाऊँ। यू कुड वियर फ्लावर्स, आप फूल पहन सकती हैं, ही सेड, उसने कहा, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, और साल के इस वक्त ये काफ़ी फैशनेबल होते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुई। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, अगले रोज़ वो अपने दोस्त के पास गई और उससे अपनी बेआरामी की बात बारे में बताया, डिस्ट्रेस बेआरामी यानी परेशानी की बात। मैडम फॉरेस्ट्रियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, बॉट इट बैक, ओपन्ड इट एंड सेड टू मैडम लोजेल, चूज माई डियर। अब जो उनकी दोस्त थी मैडम ल्यूजेल की, उनका नाम था मैडम फॉरेस्टियर, तो वो अपने जो वार्ड्रोब था यानी कपड़ों की जो अलमारी है उसे वार्ड्रोब कहते हैं, तो सिंगारदान के जैसा लगा हुआ था, वहाँ पर वो एक बड़े डब्बे के पास गई, लार्ज बॉक्स, बॉट इट बैक, उसे सब वापस लाया, ओपन उसे खोला एंड सेड टू मैडम ल्यूजेल, और मैडम ल्यूजेल से कहा, चूज माई डियर, इसमें से मेरे अजीज़ दोस्त इसमें से पसंद कर लीजिए। फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स देन अ पर्ल नेकलेस, मैथिल्डे ने उसमें से कुछ ब्रेसलेट्स देखे, उसके बाद उसने एक पर्ल नेकलेस देखा यानी मोतियों का गले का हार। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, और उन्होंने कोशिश की कि वो ज्वेलरी को आईने में देख सके। शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती रही, यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है, वाई, यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, क्यों, हाँ लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम क्या पसंद करोगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर डायमंड नेकलेस, अचानक उन्हें अपने एक सैटिन के बॉक्स में से एक डायमंड नेकलेस मिला, एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, तो उनका जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उनकी जो ख्वाहिशात है वो अपने काबू से बाहर चली गई। डिज़ायर ख्वाहिशात, अनकंट्रोल्ड यानी कि जिस पे काबू ना रहे, और डायमंड, डायमंड के मायने हीरा, हीरो का हार था, हीरो का नेकलेस था वो। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, और उनके हाथ थर थर काँप रहे थे जब उन्होंने उसे लिया। शी फास्टन्ड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, उन्होंने उसे अपने गले में बांध लिया और वो एक नशे में, एक्सटेसी एक किस्म का नशा होता है, उसमें वो खड़ी हो गई अपने आप को देखते हुए। देन शी आस्क्ड एंग्शियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा, हेजिटेटिंग यानी झिझकते हुए, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, कि या तुम मुझे ये दोगी, वाई, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्टरसली, देन फ्लेड विद हर ट्रेजर, और उसने अपने दोस्त के
गले में बाहें डाल दी और उसके गले के अतराफ, और वहाँ से वो चल पड़ी, उसका जो ट्रेजर यानी ख़जाना था यानी नेकलेस था वो लेकर निकल पड़ी। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन शुरू हो गया। मैडम लूजेल यानी मथिल्दे वॉज अ सक्सेस, मैडम लूजेल वो जो है कामयाब हो गई थी। शी वॉज प्रेटियर देन ऑल अदर वुमन, वो तमाम दूसरी ख़वातीन से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। एलिजेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही थी और ख़ुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। शी डांस्ड वाइडली, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रक्स किया विद पैशन, जज्बे के साथ, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। शी डांस्ड वाइडली विद पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ, वो सब चीज़ें भूल चुकी थी जीत के नशे में, ऑफ हर ब्यूटी अपनी खूबसूरती में, एंड सक्सेस और कामयाबी से, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा कि वो अपनी खूबसूरत अपनी खुशी में झूम रही हो। रैप्टरसली विद ग्रेट जॉय, फ्लेड विथ हर ट्रेजर, हियर फ्लेड मीन्स वेंट अवे क्विकली, पैनिक स्ट्रिकन विथ अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, डिस्टर्ट वरीड डिस्टर्ब्ड। मथिल्दे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मथिल्दे और उनके हस्बैंड जो है वहाँ से निकले 4 बजे सुबह के। वेन दे वेर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब आखिरकार वो स्ट्रीट में पहुँचे, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उन्हें कोई कैब यानी कि टैक्सी नहीं मिल सकी। दे वॉक डाउन टूअर्ड द सीएन टिल दे फाउंड वन, वो सीएन एक इलाका है वहाँ तक के पहुँचे, तब उन्हें एक टैक्सी मिली। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट दर डोर इन द रू डेस मार्टियर्स, एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और उन्हें वहाँ पर उनके दरवाजे तक छोड़ दिया गया, ये रू डेस मार्टियर्स के किनारे पर, एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये अब उनके लिए पूरी दुनिया ख़त्म हुए जैसा था। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक। जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी हो गई, उन्होंने जब अपने आप को घूरा यानी देखा, अपनी खूबसूरती को निहारा, तो अचानक उनकी आंखें फैल गई और वो ज़ोर से चिल्लाई, उनके गले में नेकलेस नहीं था। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड, क्या बात है, क्या मामला है, उनके शौहर ने पूछा। शी टर्न टुवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्रिकन, वो उसकी तरफ मुड़ी और बहुत ही ज़्यादा पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ही ज़्यादा खौफ भय में भर गई थी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फ्रॉस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप स्टार्ट, वाट हाउ डैट्स इम्पॉसिबल, यानी उसका शौहर भी परेशान हो गया, कहने लगा क्यों कैसे, ये तो नामुमकिन है। और इस तरीके से ये सबक यहाँ ख़त्म होता है, पहला हिस्सा। दूसरे पार्ट में हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।